दोस्तों हम में से बहुत से लोगों ने खूबसूरत नदियों और तालाबों को देखा होगा, तो आज हम एक ऐसी नदी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप लोगों के मन में भी इस नदी को देखकर एक बार यहां जाने का मन जरूर ही करेगा। ये नदी एक कुदरत का ही करिश्मा है। दोस्तों दुनिया में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ हमें कुदरत की अनोखी से अनोखी चीजें देखने को मिल जाती है। हमारी पृथ्वी पर बहुत से सुंदर प्रकृति के दृश्य देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी उस नदी की ओर जिसे आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कभी किसी नदी का रंग बदलते देखा है, चलो मान भी लेते हैं आपने देखा होगा, मगर साल में कितनी बार वो नदी रंग बदल सकती है, आपको भी लगेगा ये मैं कैसा सवाल पूछ रहा हूँ। ऐसी कोई नदी दुनिया में है ही नहीं, पर दोस्तों ऐसी नदी मौजूद है कोलंबिया में जो साल के कुछ महीनों में इतनी खूबसूरत हो जाती है जिसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये नदी दुनिया के 8वें अजूबे से कम नहीं है। दोस्तों इस नदी का नाम है कैनो क्रिस्टल्स। ये कोलंबिया में स्थित मैकरीना नाम के पहाड़ों से निकलती है। ये नदी कुल 100 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों साल शुरू होने पर ये नदी सामान्य नदी की तरह ही दिखती है, लेकिन जुलाई के शुरू होते ही ये नदी अपना रंग नीले, पीले, हरे, गुलाबी आदि रंग में बदलने लगती है। और इन्हीं रंगों के कारण इस नदी को रिवर्स ऑफ द पाइप कलर और लिक्विड रेनबो भी कहा जाता है। यही कारण है कि इसे दुनिया के खूबसूरत नदी भी कहा जाता है। दरअसल दोस्तों इसके रंग बदलने का कारण ये है कि इस नदी के अंदर विशेष तरह की प्रजाति के एक पौधे से ये रंग दिखते हैं, जो कि ये पौधा नदी के तल पर ही उगता है। इस पौधे का नाम मैकेरेनिया क्लेवेगीरा है। सो आई होप दोस्तों आपको ये जगह बहुत पसंद आई होगी और ये वीडियो भी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।